लिए कि कश्मीर में गैर कश्मीरी बैंक मैनेजर पर फायरिंग की है। आतंकियों ने बैंक मैनेजर पर फायरिंग की और बारामुल्ला में बैंक मैनेजर पर फायरिंग की है। देखिए, जो लोग कश्मीर के नहीं हैं उनको निशाना किया जा रहा है और टारगेट किलिंग के अंदर में आता है ये। जो लोग कश्मीर के नहीं है, बाकी राज्यों से वहां पर काम करने के लिए आए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मजदूर हो या कोई और हो। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक कोशिश की गई थी आतंकियों की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कलेप्स करने की, और चुन चुन के उन लोगों को टारगेट किया जा रहा था जो कश्मीर के नहीं है, जो बाहर से आए, और वो बदस्तूर अब भी जारी है। देखिए, आप ये जो अटैक हुआ है, ये गौसीपुर एरिया है पटना का, जहाँ पे ये बैंक मैनेजर को टारगेट करते हैं। ये गैर कश्मीरी है। एक तो ये भय का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और दूसरा ये पैगाम देना चाहते हैं आतंकवादी कि यहाँ स्थिति जो है सामान्य नहीं है। और आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये दूसरा दौरा है जम्मू कश्मीर का, और बारामूला में एक रैली एड्रेस करने जा रहे हैं। और जो ये हादसा होता है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये बोखलाहट है आतंकवादियों में भी और पाकिस्तान में भी, क्योंकि इनको हजम नहीं हो रहा नॉर्मल सी पीस और डेवलपमेंट। अमित शाह का जो दौरा रहेगा उसमें काफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेट किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। वो चाहते नहीं है कि कश्मीरियों के चेहरे पर मुस्कान दिखे, नॉर्मल सी दिखे, डेवलपमेंट दिखे, क्योंकि दो चीजों को ये दौरा अगर देखा जाएगा, एक तो डिलीवरी और एक डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें। और तीसरा ये कि लोगों से कनेक्ट करने का, आप देखिए ये जो हिस्टोरिक रैली रहने वाली है बारामूला में, और बारामूला के आगे ही पूरी का बॉर्डर लगता है। और आप देखिए ये पैगाम, और इसलिए विशेष तौर पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है प्रदीप, क्योंकि ये पूरा मामला संवेदनशील है। गृहमंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने